अस्सलामुअलैकुम आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सुबह सुबह फिर उठ गए हैं, अब तैयार होने तैयार हो के थोड़ा सा नाश्ता करना। नाश्ता करने के बाद फिर चलते हैं जी अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ और फिर देखते हैं आज क्या क्या करते हैं, सब कुछ आपको साथ साथ दिखाते जाते हैं। हाँ जी, कपड़े तो मैंने पहन लिए हैं, अब जो है ना नाश्ता करने ना, नाश्ते के लिए मेरे पास पड़े हुए बिस्किट से निकालते हैं, निकाल के इसके ऊपर जैम लगाते हैं, जैम लगा के और आज का नाश्ता करते हैं। चेक करें नीचे से, एक मिनट, प्लेट निकाल ली, प्लेट निकाल के मेरा तैयार हो गया। एक मिनट मैं टेबल में जा कर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा मेरा नाश्ता। नाश्ते में कुछ इतना खास नहीं है, बस वैसे ही फिर टाइम पास करने के लिए करना पड़ता है। फिर मैंने दो जो है ना रस के ऊपर जैम लगा लिए और साथ ये दही है, दही के ऊपर जो है ना लगा हुआ है, दही के अंदर है वो चीनी आगे पड़ी हुई है तो चीनी की ज़रूरत नहीं है। और सुबह टाइम जो है ना इतने हल्का फुल्का नाश्ता होता है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सुबह टाइम दिल भी नहीं करता नाश्ता करने को। दूसरी बात, यहाँ सुबह उठ के कौन इतना काम करे। जी गैस, मैं तो तैयार हो गया हूँ, अब जो है ना निकल रहा हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ और मैंने आ जाना अपना थोड़ा रूम साफ कर दिया, क्योंकि आज शाम टाइम मैंने इधर नहीं आना। सब बताता हूँ कि निकल जाऊँ ना, आज शाम तक जो है मैंने अपने पेरेंट्स के घर जाना है, क्योंकि मैं यहाँ 5 दिन यहाँ रहता हूँ और 2 दिन वहाँ। देखे कचरा वगैरह भी मैंने सब कुछ निकाल लिया है, अब मैं नीचे चलता हूँ नीचे जाके। हाँ जी, क्योंकि 5 दिन मैं यहाँ रहता हूँ और जो है ना 2 दिन मैं अपने पेरेंट्स के घर चल जाता हूँ। यहाँ से मेरी यूनिवर्सिटी नज़दीक है, मुझे यहाँ से आधा घंटा लगता है। मैं अपने घर से आऊँ तो मुझे लगभग 2-3 घंटे जाना फिर वापस आना, इसलिए मैंने और मेरे पापा ने डिसाइड किया था कि हम यूनिवर्सिटी के नज़दीक एक और अपार्टमेंट ले लेते हैं और उस अपार्टमेंट पर पाया जाना वहाँ 5 दिन वहाँ 2 दिन घर में आ जा करूँगा आराम से। अब मैं कचरा फेंकने लगा हूँ, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ ये अपार्टमेंट है, यहाँ स्टूडेंट ही सारे रहते हैं और कोई नहीं रहता है, सिर्फ यहाँ जो है ना पूरा रेजिडेंस में स्टूडेंट्स रहते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं वगैरह वगैरह। और इस वजह से मुझे ये अपार्टमेंट जो थोड़ा सस्ता मिल गया, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए है। गाड़ी में मैं आ गया हूँ और अब निकलना गया, शुक्र है आज जो है ना बर्फ़ नहीं है, नहीं तो आज फिर 10-15 मिनट ज़ाया हो जाने थे। अब यहाँ से निकलते हैं, आपको यूनिवर्सिटी पहुँच के मिलता हूँ, कभी गाड़ी चलाते वक्त ब्लॉगिंग करने की इजाज़त नहीं है, पॉइंट निकल जाएंगे और लाइसेंस खींच लेंगे, यहाँ पाकिस्तान की तरह नहीं है। चलें यूनिवर्सिटी में पहुँच के ना फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ से हम खाना खाने लगे हैं, मेरा अनानास। आज हमारे पास खाने के लिए दाल चावल, अनानास, बगैत और फुमार खाने को मिलता है। वापस क्लास में आ गया, मेरा 2-3 घंटे का पीरियड है क्लास के साथ, जो है ना एक और क्लास है वहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए जो है ना मैं यहाँ आके वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरी क्लास जो है ना ये देखो यहाँ बैठी हुई है। अब मेरा जो है ना 2-3 घंटे का पीरियड है ये करके, तो फिर मेरा जो आज का दिन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद घर। मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई है, अब मैं जा रहा हूँ घर, घर जाते देख लें मुझे, यहाँ आज घर जाते वाला आ जाना 1-1.5 घंटा। अब आपको घर जाके मिलते हैं फिर से। आधा घंटा हो गया मैं यहाँ जो है ना ट्रैफिक में फंसा हूँ, देखें पूरा 30 मिनट बताए हुए हैं, 30 मिनट तक जो है ना
जहाँ ट्रैफिक ही लगातार ट्रैफिक है, मैं अब मैंने देखा जब भी मैं घर जाता हूँ ना जुम्मे वाले दिन, ये ज़रूर होता है मेरे साथ, एक दो जाना दफ़ा मुझे ट्रैफिक में फंसना ही पड़ता है। और ये हर एक ट्रैफिक जो है एक मिनट दो मिनट की नहीं, 10-15 मिनट 30 मिनट तक जो है चलती रहती है। चेक करने थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ गाड़ी चल रही है। घंटे की ड्राइव के बाद अब मैं घर पहुँचाऊँ, घर जाते हैं, घर जाके सबको मिलते हैं और फिर जाना मज़े करते हैं। मैं घर पहुंच गया हूं, मैंने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए, वो मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहले आप मेरे से छोटे भाई से मिले, इसका नाम है शहरयार। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। इसके बाद जो है ना मेरा उससे छोटा भाई सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कपड़े अभी तक इसलिए चेंज नहीं किए क्योंकि मैं आता गया और उन्होंने कहा कि हमने मार्केट जाना है, रोजे आ रहे हैं रोजे के लिए जो है ना कुछ सामान लेके आना है। चलिए आप चलते हैं और रोज़ों के लिए जो है ना सामान लेके आते हैं और आपको मैं साथ साथ दिखाता जाता हूँ कि हम मार्केट से क्या लेके आ रहे हैं। मैं गाड़ी में आके बैठ गया हूँ, हमारे घर के बिल्कुल नज़दीकी मार्केट है, तो मार्केट में चल के फिर आपको दिखाता हूँ हम जो है ना क्या शॉपिंग कर रहे हैं। हमने हम जो है ना मार्केट में पहुँच गए हैं और मार्केट में पहुँचने के बाद जो है ना सुल्तान को मैंने जो है ना लेने भेजा था, कार्ट लेने भेजा था, कार्ट ले आया। अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है आज। यहाँ से सिर्फ वो ही लें, हमने जाना सॉस वगैरह लेनी है, खाने का सामान लेना, रमज़ान का सामान जाना, हम शायद कल जो लगता है या परसों लेने जाएँ, तो जब जाऊँगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। सुल्तान आ गए, चले गए मार्केट के अंदर, मुझे अब पता नहीं है कहाँ है, अब इन्हें ढूंढता हूँ, ढूंढते हैं देखते हैं कहाँ चले गए। इतनी बड़ी मार्केट है, मार्केट में पता भी नहीं चलता कहाँ से है। देखो चेक करें इतनी बड़ी मार्केट है, मैं अभी मुझे ढूंढना पड़ना कहाँ पर आके हैं, मुझे पता भी नहीं, शायद मिल गया मुझे वो पानी की तरफ गए हैं मुझे लग रहा है, मैं वहाँ जा चेक कर। मिल गया मुझे, मैं जाना इन्हें फ़ोन किया और फिर मुझे मिल गया, देखिए बाकी तरफ आए किसकी तरफ है, चिप वाली जो है ना जहाँ चिप पड़ी होती है ना वहाँ मुझे मिले हैं। अब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। सुल्तान कहाँ जा रहे हो, क्या अच्छा सॉस लेने जा रहे हैं? सबसे पहले अच्छी बात है, सॉस वगैरह चेक कर लें कुछ प्राइस मिलती है तो ले आते हैं और फिर बाद में देखते हैं क्या बनता है। ये देखें यहाँ जो है ना हमें कौन कौन से फ्रूट पड़े हुए हैं, ड्रैगन फ्रूट, अमरूद जो यहाँ से कभी नहीं मिला वो आज मुझे यहाँ, मगर यहाँ लगा कितने का हुआ है, 13 यूरो का। कितने का शायद 13, इतना महंगा फ्रूट आज तक नहीं, वैसे तो सस्ता ही मिलता है सारी लंकड़ों के मार्केट में, पर ये फ्रेंच मार्केट है इसीलिए ये महंगा है फ्रूट, इसीलिए हम नहीं लेंगे। अच्छी बात है, महंगा फ्रूट लेना भी नहीं चाहिए, फालतू का 13 यूरो का कौन कौन अमरूद खरीदता है। अब पता नहीं सुल्तान कहाँ भागी जा रहा है, उसके पीछे चलते हैं देखते हैं क्या कर रहा है वो। चलिए अस्सी सा क्या करने लगे हो, ये क्यों खरीद रहे हैं, इसका कोई फायदा तो है नहीं है, रमजान में वैसे ही दिल ऐसे उछ उछ करता है। मैं कह रहा हूँ शाम के लिए थोड़ा स्नैक ले लूँ, वैसे भी छुट्टियां हैं कल तो। नो छुट्टियां दो छुट्टियां इसकी वजह से तुम इतना जो है ना ये बिस्किट लोगे, इतने मीठे हैं, मीठे हैं, चलो बाद में देख। तुम्हें मुझे नहीं देखा है मैं कितना मोटा हूँ, तुमने मेरी तरफ मोटा होना है, तो अच्छा बंदे का पुत्र बन और अच्छा सामान ले, ठीक है ना, जो काम कर रहे हैं वो काम करने का। आइसक्रीम तो मैंने ले ली है, आइसक्रीम तुम ले लेना, मगर ये जो काम कर रहे हो ना तुम अभी चॉकलेट वगैरह आइसक्रीम कुछ नहीं मिल रहा, कुछ इधर ऑफर नहीं लगाया, तो कुछ ऑफर नहीं लगाया इसका मतलब ये तो नहीं है तुमने जो मर्जी लेने जाना, जो मर्जी तुम्हारा दिल करे वो लेना। यहाँ से पकड़ो जो सॉस वगैरह लेनी है और लो और निकले, और अपना तुमने खाने पीने का इस्तेमाल है ना, यहाँ कोई अच्छी ऑफर तो रमजान की लगी नहीं। हाँ नहीं नहीं लगी हुई है, देखें ऑफर्स लगी हुई है, यहाँ हलाल फूड लगा हुआ है, हलाल चीज़ें लगी हुई हैं, ये देखें सब कुछ है। हाँ यहाँ मूठी भी पड़ी हुई है, मुझे पहली दफ़ा यहाँ ना मूठी मिली है, चेक करें तो मैं पहले पिछले दिन पुर्तगाल गया हुआ था, वहाँ से मैं मूठी लेके आया क्योंकि यहाँ से फ्रांस में ना मूठी नहीं मिलती, और आज मैंने पहली दफ़ा देखा है यहाँ मूठी, तब से जो है ना मुझे कभी इधर घुमा रहे हैं कभी उधर घुमा रहे हैं, मैं एट द एंड थक के ना यहाँ खड़ा हो गया हूँ। देखिए इतना सामान ले भी लिया, क्या लेना है अब वो चीज़ ले के आ रही है और बस बस नहीं अभी ब्रेड रहती हैं, ब्रेड लेने हैं, चलो अभी हमारा ब्रेड लेने हैं, ब्रेड लेके फिर हमने लेना है पानी और इसके बाद ख़त्म। हाँ ख़त्म ख़त्म, चलें ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ना काम यहाँ से ख़त्म हो गया। ये तो थोड़ी सारी शॉपिंग थी बड़ी होगी, ये देखिए अभी थोड़ी बहुत हमारी शॉपिंग थी जो कैचअप वगैरह
चले देखते हैं अब इन्होंने और क्या शॉपिंग करनी है। सिर्फ ब्रेड रह गया, ब्रेड खत्म हो गया, ब्रेड लेने हैं, बर्गर पैटीज लेनी है, पैटीज नहीं बर्गर लेने हैं, और फिर बाद में हमारा काम जाना पानी ले। हमने पानी लेना है, ये देखे 15 डाले हमने पानी लेके जाना है, क्योंकि हम जो है ना टूटी का पानी हम ही पीते। जब से हम आए हुए हैं हम यहाँ ड्राइवर, फिर मैंने सुल्तान को भेजा, मैंने कहा बाहर से जाना, ये बड़ी कार्ट लाने के से अच्छा है, छोटी कार्ट ले आई ये वाली, इसके अंदर जाना सारा सामान जो शिफ्ट करके, फिर बड़ी कार्ट के अंदर सारा जाना पानी डाल देंगे। पानी सारा हमने रख लिया, ये देखिए 15 जाना डाले पानी के रखे हैं, और जाना ये भी लेके जा रहा है आगे सारा सामान। सारा सामान तो ले लिया, अब इसे गाड़ी में भी रख के लेके जाए और फिर ऊपर अपार्टमेंट में भी चढ़ाना है, देखते हैं क्या बनता है हमारे साथ। और ये अभी से थक गया, थक क्यों गए अभी तक? बस ये है ही थकने वाला काम है। इसने अभी 4-5 दफ़ा जो है ना, 4-5 मिनट हुए अभी इसे आए हुए, और ये थक भी गया है। 4-5 मिनट नहीं हुए, आधा घंटा आधा घंटा नहीं मिला, ऐसे चले मार। चले जाना गाड़ी के ऊपर सामान रखना, फिर आप सारा सामान लेके सब कुछ निकल रहा है। ये देखो कितना ज़्यादा सामान है, बाहर नहीं आ रहा। सर सर यार साथ क्यों नहीं लेके आए? बैग क्यों जाते हैं हम, पागल से बच्चे हैं। पहली बार शॉपिंग की है आपने? नहीं, वो हम भूल जाते जिंदगी में। आपने पहली दफ़ा शॉपिंग की है? नहीं, पहली दफ़ा शॉपिंग नहीं की, तो फिर आप भूले कैसे हैं? जल्दी में आगे फिर धक्का लगाओ, इतना पानी है मेरे से नहीं जाना, इतना मेरे में इतनी ताकत नहीं है। हाँ जी, सारा सामान हमने गाड़ी में रख लिया, चेक करें सारी की बात। देखो चेक करो, बंद होती है नहीं, आराम से, इतनी भी आराम से नहीं करनी है, एक बंद ही ना हो। हो गई है, चलो ठीक है। क्या परफेक्ट हो गया काम? हाँ जी, शेरा जा रहा है अब हमारा, तो चले आप घर चलते हैं। घर जाके सारा सामान अभी ऊपर भी चढ़ाना है, पहली मंजिल में हम रहते हैं, लिफ्ट भी नहीं है, जाके सारा सामान वहाँ रखें, शेल्फ पे चढ़ाएं, और फिर आपसे मिलते हैं। हम घर तो पहुँच गए, मगर हमारी जो पार्किंग है ना गाड़ी की, हमें घर से बहुत दूर मिली है, वो घर है और जाना पार्किंग दूर है, इतना ज़्यादा पानी ऊपर लेकर नहीं जाया जाना। तो मैंने और मेरे भाइयों ने ना इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है ना दो लेके चले जाते हैं, और फिर कल सुबह ले आएंगे, फिर कल सुबह जो है ना वापस आएंगे, या फिर गाड़ी वहाँ जगह मिलेगी तो गाड़ी आके लगा के लेंगे, क्योंकि ऊपर आना जाना से थकना जाना बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। चलो ऊपर लेके जाते हैं पानी। फिर मैं अपने घर पहुँच गया, सारा सामान जो है ना हमने अपने अपनी जगह पर रख दिया, सिर्फ पानी नहीं हम लेके आए, बाकी सारा सामान हमने रख दिया। अब मैं थक गया हूँ, खाना वगैरह खाना है। आज का ब्लॉग मैं यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरा जो है ना ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह।